नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है और जेडीयू ने अपने कैंडिडेट भी उतार दिए हैं। देखिए, 40 लोकसभा सीट वाले प्रदेश बिहार में बीजेपी के खाते में 17 सीटें गई है। 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है और इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सीट पर, आरएलपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक सीट पर, और अगर बात करें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, आपके सामने पूरी लिस्ट भी हम दिखा रहे हैं कौन दल किस लोकसभा सीट से लड़ रहा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम बीजेपी के कोटे में है और जेडीयू के कोटे में वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, शिवहर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जहानाबाद, सिवान, नालंदा, गोपालगंज, एलजेपीआर के कोटे में हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जमुई, खगड़िया, हम के कोटे में गया, आरएलएम के कोटे में काराकार, जहां से उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये वो सीटें हैं जो एनडीए के अंदर सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसमें शामिल घटक दलों को मिला है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए जेडीयू की, तो देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने कैंडिडेट भी फाइनल कर दिया है लोकसभा के चुनाव में। पहला कैंडिडेट जेडीयू ने बनाया है शिवहर लोकसभा सीट से लवली आनंद को। देखिए, आनंद मोहन की पत्नी है, चेतन आनंद शिवहर के विधायक हैं। आरजेडी से 2020 के चुनाव में चेतन आनंद चुनाव जीते और बिहार में जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो चेतन आनंद ने आरजेडी को गच्चा दे दिया, आरजेडी को धोखा दिया और इसके बाद चेतन चुनावी मैदान में अपने परिवार के लोगों को उतारने की रणनीति में जुट गए। नीतीश कुमार के आनंद मोहन से खास वाले रिश्ते में आनंद मोहन ने शिवहर लोकसभा सीट मांगी और भाजपा ने इस बार नीतीश कुमार को एक बड़ी सौगात दे दी है शिवहर लोकसभा सीट की। लेकिन यहां कांटे की लड़ाई होनी है, शिवहर की जनता को तय करना। और आपको मालूम है शिवहर की जनता ने महागठबंधन को वोट किया था 2020 के चुनाव में, चेतन आनंद चुनाव जीते थे और चेतन आनंद ने बाद में महागठबंधन को ही झटका दे दिया। तो जनता के बीच रोष भी है, लेकिन लवली आनंद का टिकट फाइनल कर दिया है नीतीश कुमार ने। लवली आनंद पूर्व में भी चुनाव जीत चुकी है, लड़ चुकी है शिवहर से, चुनाव जीती नहीं। आनंद मोहन चुनाव जीत चुके हैं हालांकि शिवहर से, लेकिन इस बार आनंद मोहन बाहर है। लवली आनंद की दावेदारी थी और कंफर्म हो गया है टिकट शिवहर लोकसभा सीट से। तो देखने वाली बात होगी कितना कुछ मैदान में कर पाती है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।